देखो बच्चों, इसको 1 1 on 2 चेक करना है। क्या फंक्शन है? R टू R fx equal to 3 की पावर x plus 3 की पावर mod x, इसको 1 1 on 2 चेक करना है। ये इसका आंसर है, मतलब ये फंक्शन है many one into, many one का मतलब होता है not one one और into का मतलब होता है not on two, है ना। जो फंक्शन on two नहीं होता उसको हम into भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसे many one भी कहते हैं, और जो फंक्शन on two नहीं होता है उसे into भी कहते हैं। मतलब into का मतलब क्या हो गया? not on two, ध्यान दीजिए, into का मतलब not on two, ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे, है ना। 1 1 के आगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब 1 1 चेक करने जा रहे हैं। देखो क्या फंक्शन है, y equal to 3 की पावर x plus 3 की पावर mod x, ध्यान दीजिए ये फंक्शन है। देखो एक काम करें, x को पॉजिटिव मान लें तो y equal to 3 to the power x plus 3 to the power x, mod x equal to क्या हो गया बोलो x, y equal to क्या हो गया 2 into 3 to the power x, इसका differentiation करें तो differentiation क्या होगा बोलो 2 constant, a की power x का हो गया a की power x log a base e। देखो ध्यान दो, ये जो differentiation है ये positive है, क्यों? देखो 2 positive है, 3 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x हमेशा पॉजिटिव, और log 3 की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव। क्योंकि देखो अगर log में 1 से बड़ा टर्म है तो वैल्यू पॉजिटिव। log का ग्राफ देखो ऐसे होता है, देखो log का ग्राफ ये होता है x बराबर 1, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा ले लें तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ध्यान दो। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है बोलो? पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो? पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 पर, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव होगा तब इंक्रीजिंग होगा, ध्यान दीजिए। तो अभी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो हुआ है लेकिन x ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव हुआ है, लेस देन 0 पर चेक करना बाकी है, देखते हैं। x को लेस देन 0 लो तो y इक्वल टू क्या होगा बोलो? 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर -x, ध्यान दीजिए। देखो ये मॉड x की जगह पर क्या आ गया बोलो? माइनस x। इसका डिफरेंशिएशन करें क्या होगा बोलो? a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इनटू log a बेस e, और इसका फिर से क्या हो गया बोलो? माइनस 1, ठीक है, 3 की पावर x, और देखो ये क्या बन गया बोलो? माइनस 3 की पावर माइनस x और log 3 बेस e, ध्यान दो। देखो अब हमें ये देखना है आखिर ये पूरा टर्म पॉजिटिव है कि नहीं है। देखो क्या करें, 3 की पावर x माइनस, देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखो x नेगेटिव है, ध्यान दो x नेगेटिव है, है ना, x की वैल्यू क्या है बोलो? नेगेटिव है। देखो एक काम किया जाए, इसको लिखा जाए log 3 अपॉन 3 की पावर x, ऐसा कर सकते हैं? बताओ भाई ऐसा कर सकते हैं ना, ध्यान दो। देखो क्या हुआ, एलसीएम ले लें तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस log 3 बेस e अपॉन 3 की पावर x, ध्यान दीजिए, ठीक। देखो ये 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x मतलब 3 की पावर 2x, मतलब 3 की पावर 2 होल की पावर x, तो 9 की पावर x भी लिख सकते हैं। देखो ये हो गया 9 की पावर x माइनस log 3 बेस e अपॉन 3 की पावर x। देखो ध्यान दो एक्चुअली x नेगेटिव है, ध्यान दो x नेगेटिव है, तो देखो क्या होगा, अगर x नेगेटिव होता है, आप a की पावर x को याद करो, इसका ग्राफ ऐसे होता है अगर a 1 से बड़ा है तब, मतलब x 0 पर वैल्यू 1 होती है, x 0 से बड़ा लोगे वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी, x 0 से छोटा लोगे वैल्यू 1 से नीचे जाएगी। देखो क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान दो एक्चुअली 9 की पावर x, एक्चुअली ये ग्राफ आप मान लो कि फॉर एग्जांपल 9 की पावर x का ग्राफ है, क्योंकि a 9 है तो a 1 से बड़ा हो गया, मतलब 9 की पावर x का ग्राफ भी यही होगा। अब एक्चुअली x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव का मतलब देखो ग्राफ 1 के नीचे आ रहा, मतलब y की वैल्यू 1 से कम हो गई, यानी 9 की पावर x जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि x नेगेटिव है, ये नहीं भूलना, x
एक्स के नेगेटिव होने पर 9 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स 1 से कम आ गया, 1 से छोटा। और हाँ, लॉग 3 एक्चुअली क्या है, देखो लॉग ई बेस ई 1 होगा, तो लॉग 3 बेस ई 1 से बड़ा हो जाएगा, ध्यान दो, क्योंकि देखो लॉग ई बेस ई 1 होता है और 3 क्या है, ई से बड़ा। 3 क्या होता है, ई से बड़ा। ई क्या होता है, ई होता है लगभग 2.71, है ना, ई होता है लगभग 2.71, तो 3 ई से बड़ा है, तो इसका मतलब log 3 1 से बड़ा हो जाएगा, ध्यान दो। तो ये 1 से बड़ा और ये 1 से छोटा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया बोलो, नेगेटिव। ये 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा, और ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ए की पावर x पॉजिटिव होता है, चाहे x को कुछ भी ले लो, x को कुछ भी ले लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ए की पावर x पॉजिटिव होता है, ध्यान दो। यहां पर ए की पावर x यहां पर भी पॉजिटिव है, ए की पावर एक्स यहां भी पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, है ना, ए की पावर एक्स यहां भी पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है। तो ऊपर का टर्म नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, तो ऊपर का टर्म नेगेटिव और नीचे का टर्म पॉजिटिव, तो कुल मिला के सब कुछ क्या हो गया, नेगेटिव। डिफरेंशिएशन नेगेटिव, यानी फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग, मतलब 0 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, जबकि 0 के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन थोड़ा इंक्रीजिंग है, थोड़ा डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये कह सकते हैं ये फंक्शन 1-1 नहीं है, कुछ हिस्से में इंक्रीजिंग है और कुछ हिस्से में देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, 1-1 नहीं रह गया, ध्यान दीजिए 1-1 नहीं रह गया ये फंक्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फंक्शन हो गया, है ना, नॉट 1-1, ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉट 1-1, जो देखो अपना आंसर है मेनी वन का मतलब ही क्या होता है, नॉट 1-1, क्योंकि थोड़ा इंक्रीजिंग है थोड़ा डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन नॉट 1-1। अब देखो इसका रेंज चाहिए इसका, देखो क्या है, ध्यान दो, एक्चुअली ये भी ए की पावर एक्स है, ये भी ए की पावर एक्स है, तो और ए की पावर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मतलब ये फंक्शन जो होगा इस पूरे की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, इस पूरे की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो मतलब इसका जो रेंज है वो आर नहीं हो सकता, आर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए की पावर एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो मतलब वाई का जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब जो इसका रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और रेंज हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि इस फंक्शन का कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोडोमेन आर है और रेंज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऑन टू वैसे भी नहीं है, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू। अब देखो ध्यान दो, हम अगर इस फंक्शन के ग्राफ का एक रफ आइडिया लेना चाहें, देखो क्या होगा, वैसे ये सवाल हो चुका है ये, मैं नॉलेज के लिए तुमको एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दो यहां पर, देखो जैसे ये अपना फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 पर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, देखो अगर हम x को 0 के बराबर कर दें, अगर x को 0 के बराबर ले लें, तो y बराबर a की पावर 0 1 प्लस 1 कितना होगा बोलो, 2, तो देखो ये हो गई वैल्यू 2, 0 पर वैल्यू 2 है, और 0 के आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो देखो 0 के आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा, ध्यान दो क्या होगा, 0 के आगे ये फंक्शन देखो इंक्रीज करेगा, और हाँ अगर x को इंफिनिटी लेंगे तो a की पावर x भी इंफिनिटी होता है, देखो ये ग्राफ, x को इंफिनिटी लोगे तो a की पावर x इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी, मतलब ये जो इसका रेंज है ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे करके। अब देखो कॉनकेविटी मैंने नहीं देखा, डबल डिफरेंशिएशन नहीं देखा, कॉनकेविटी देख लेंगे तो और अच्छा आइडिया लगेगा, खैर चलो ग्राफ का रफ आइडिया देख रहे हैं। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो, 0 के पीछे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, है ना, 0 के पीछे देखो ध्यान दो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 के आगे ये इंक्रीजिंग है ऊपर बढ़ेगा, और लेकिन 0 के पीछे देखो ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब देखो ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है देखो वो कुछ ऐसे करके जाएगा, देखो ये ऐसे करके ये, क्योंकि देखो अगर हम x को माइनस इनफिनिटी ले लें, अगर x टेंडिंग टू, हालांकि देखो मैं थोड़ा लिमिट का यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा लिमिट का देखो यूज कर रहा हूं, लिमिट का मतलब होता है फंक्शन कहां जाएगा,
थ्री की पावर एक्स और प्लस थ्री की पावर मॉड एक्स। देखो अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी ले लें तो माइनस इन्फिनिटी पर देखो ये ऑलमोस्ट जीरो होगा, लेकिन ये थ्री की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब वैल्यू फिर इन्फिनिटी हो जाएगी। ध्यान दीजिए अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी लें तो थ्री की पावर माइनस इन्फिनिटी, देखो अगर x को माइनस इन्फिनिटी लिया जाए तो y की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, देखो यहाँ पर जीरो, लेकिन x को माइनस इन्फिनिटी लेते एक्चुअली मॉड है तो मॉड उसको प्लस इन्फिनिटी बना देगा तो थ्री की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे ही आप पावर को इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो फाइनली देखो अगर हम x को नेगेटिव लेंगे तब भी फंक्शन इन्फिनिटी पर जाएगा, x को पॉजिटिव लेंगे तब भी फंक्शन इन्फिनिटी पर जाएगा। इसका मतलब देखो जीरो पर इसकी जो वैल्यू है 0.2 ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ध्यान दीजिए। तो मतलब इस फंक्शन का जो एक्चुअल रेंज है ध्यान दो वो 2 से इन्फिनिटी होगा। ध्यान दो इस पूरे फंक्शन का अगर हम रेंज निकालें तो 0 पर मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो 2, तो 2 से इन्फिनिटी इसका रेंज होगा जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया नॉट ऑन टू मतलब इन टू। तो देखो हमने इस फंक्शन के रेंज को निकालने का तरीका भी सीख लिया, वही है कि जब भी कोई फंक्शन फंस जाए है ना इधर उधर का तो हमेशा उसके ग्राफ पर थोड़ा जाना पड़ता है, और ग्राफ पर जाने के बाद उसका रेंज आसानी से हम निकाल सकते हैं। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।